ओ वाह भाई, एक नंबर, एक नंबर यार, मतलब मस्त है यार। गुरु किधर से होके जा रहे हो, ऊपर भी रास्ता है क्या? इस तरीके से वाह, ये चालू होता है ऑफ रोड। ये जो था हमारा स्टेयर्स था, जो कि भाई सामने ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ पे चढ़ने के लिए रास्ता था यहाँ पे। और अभी यहाँ से निकलते हैं अपन, और यहाँ से जाके सीधा चलते बाहर अपने बाइक के यहाँ पे, जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया है। ये चेक करो, ये है झरना। वाह वाह वाह, ये हम पूरा ऊपर जाके आए। इस वाले ब्लॉग को शुरुआत हम कर रहे हैं, पुरैगढ़ का ट्रैक उतर गए, और बहुत ही अच्छी अच्छी बात भी भाई ने बता दी अपने को। हाय, वाह, घर से सही है, सही है, बहुत अच्छी बात है। छोटे छोटे बच्चे यार आ रहे, कितनी अच्छी बात है ना, छोटे छोटे बच्चे आ रहे अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के किले पे। बचपन से उनको ये सब आदत डालेंगे तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। और मुझे समझ रहा है कुछ तो मिसिंग है, तो मुझे याद है कि मेरा गोप्रो जो है बैटरी डाउन हो गया उसका, तो मैंने उसको बैग में रख दिया नारायण के। हेलमेट एक ने पकड़ के रखा है, एंड हम तो उतरे जा रहे हैं आराम से। मेरा गोप्रो का एक्चुअली बैटरी जो है ना वो डेड हो गया यार, बिकॉज ऑफ थोड़ा मौसम भी ठंडा है ना, तो गोप्रो का बैटरी उतना सा वो कर नहीं पाता। जो सेकंड बैटरी मैं इसके लिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज उनको आगे जाके शूट करने का है, तो मैं इसके लिए बोला कि जितना है फ़ोन से शूट कर लेते थोड़ा वो जो भी एरिया देगा। ओ वाह भाई, एक नंबर, मस्त है यार। उनका नाम क्या है? अरे वो चले गए ना, लेकिन बहुत अच्छी बात है यार, यहाँ पे मतलब छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, एंड डॉग्स को भी लेके आ रहे हैं। सही है, सही है भाई। एंड आई होप कि मेरा ये क्वालिटी अच्छा आ रहा होगा, बिकॉज मैं मेरे फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट है, बट अपने को ब्रेक तो लेना नहीं है, अपने को सीधा जाना है। जहाँ से होते हुए वहाँ से अपन निकल जाएंगे। क्या हुआ भाई, सामने का व्यू चेक करो भाई, वो रुक किधर से होके जा रहे हो, ऊपर भी रास्ता है क्या? उधर का थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब डिफरेंट बोल रहा हूँ, डिफिकल्ट होगा, बट स्टिल यहाँ से हल्का हल्का वाटरफॉल आ रहा है। और यहाँ से होते हुए नीचे जा रहे हैं हम लोग, और हम सेफली उतर रहे, बिकॉज ऑफ यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह का मस्त पानी देखो ना, क्या मस्त गिर रहे हैं ना स्टेयर्स का, इस तरीके से। वाओ, ये वाटरफॉल देखो यहाँ पे, ओहो वाओ वाओ, थोड़ी सी बारिश हो गई और यहाँ पे इतना अच्छा ही है। स्टेयर्स हो गए और मेरे फ्रेंड्स अभी तक मिले नहीं, शायद हाँ आगे चले गए वो। एंड गाइस ये बताओ ना, मेरा जो हाथ है ना सुन पड़ गया, पर तो बाइक चलाने प्रॉपर होगा नहीं मुझे, आराम से आराम से आराम से, घाई नहीं घाई नहीं, ओके तो आराम से आराम। यहाँ से शॉर्टकट होते हुए निकल रहे हैं भाई, आराम से आराम से, पानी वगैरह यहाँ पे गिर रहे है इस तरीके से। एंड उतर चुके अपन यहाँ पे गणेश मंदिर के यहाँ पे, और यहाँ से जो गणेश मंदिर लगता है स्टार्टिंग में, यहाँ से स्टेयर्स जो कि हम पूरा का पूरा भी ऊपर जाके, आप तो देख ही ले रहे होंगे सब लोग, यहाँ पे एक वाटर टैंक भी है जहाँ पे पानी वगैरह जमा करके रखते हैं। और अभी अपन भाई उतर रहे स्टेयर्स, जो कि थोड़ा सा भी स्टेयर्स का पोर्शन है जो कि ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर थोड़ा सा ऑफ रोड हो जाएगा जहाँ पे लाल मिट्टी वगैरह, तो वहाँ से पूरा का पूरा क्रॉस करना पड़ेगा अपने को, जो कि थोड़ा सा ऑफ रोड है, बट स्टिल कोई बात नहीं करते वहाँ पे अपन।
नहीं मिले तो भाई क्या ही जिंदगी थी। यहाँ से सब ऐसा ऊपर ऊपर जाके एंड यहीं से आ रहे हैं, यहीं से ऐसा उतर के नीचे साइड में जा रहे हैं। यही सब ब्यूटी है नेचर का और यही सब ब्यूटी है अपने छत्रपति शिवाजी महाराज के किले का। देखो ऐसा बच्चे बच्चे भी चढ़ जा रहे हैं यार ऊपर साइड में। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत ही सही है यार, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे ऊपर आराम से। मतलब मैंने इतना नोटिस किया है कि मतलब जो बड़े बड़े हैं ना, बड़े बड़े लोग थक जा रहे हैं, लेकिन बच्चे हैं ना, बच्चे नहीं थक रहे यार, बच्चे एकदम एक्साइटेड है यार ऊपर जाने के लिए। क्राउड कितना ज्यादा हो गया लेकिन भाई भी चलो 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 भाई, ट्रैफिक लग गया यहाँ पे, इतना सारा ट्रैफिक लग गया फिलहाल के लिए एंड बहुत ज्यादा क्राउड हो गया यार आज के दिन पे। यहाँ पे खत्म होता है अपना स्टेयर्स का पोर्शन और यहाँ से चालू होता है ऑफ रोड। ये जो था हमारा स्टेयर्स था जो कि भाई सामने ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ पे चढ़ने के लिए रास्ता था यहाँ पे, और अब यहाँ से निकलते हैं अपन और यहाँ से जाके सीधा चलते बाहर अपने बाइक के यहाँ पे, जहाँ पे हमने बाइक पार्क किया है। अगर ये बन गया ना ये वाला रोड तो यहाँ से पार्किंग वगैरह करके ना इजीली हो जाएगा। इसका अंदाजा लगाया जा रहा है माध्यम से यहाँ पे भविष्य में रोपवे बनने की संभावना है। ओके, बन गए तो बहुत अच्छा, अच्छे अच्छे लोग आएंगे यहाँ पे। हाँ, आ सकते हैं, बूढ़े लोग भी आ सकते हैं जो सही बात है, इसलिए उनके लिए भी बहुत अच्छा ही आता है। और जंगलों के बीच में से होके जा रहे हैं पूरी की पूरी पब्लिक और हम भी जाएंगे। क्या क्या बात है, एट सीवी के ब्रो, सीवी के फ्रेंड ब्रो, आई एम ब्रदर। फाइनली हम लोग ने एक्चुअली 70% तो क्रॉस कर लिया है ऑफ ट्रैक जो हम लोग को जाने का था। आ रहे इधर। हाँ, तो हम लोग आ तो गए आगे तक का, और भाई उन्होंने जितनी इन्फॉर्मेशन दी किले के ऊपर वो आपको कैसे देगी भाई? बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया था, यहाँ का पूरा हिस्ट्री वगैरह उन्होंने बताया, लोग यहाँ पर क्या क्या करते वो भी सब उन्होंने बताया, तो एक अच्छा बात है उन्होंने बताया। और हम कोशिश करेंगे उन्होंने जो बताया हुआ है उसको अलग से वीडियो बना के सबको पर्सनली शेयर करें ताकि सबको पता चले इस बारे में। और अगर आप ऐसे कितने भी आप अगर किले में विजिट कर रहे हो ना, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं अपने महाराष्ट्र में, या तो फिर आप जहाँ पर भी जाओ, लेकिन आपको ना इतना ज़रूर से बताऊँगा। देखा ये देखो, पर आप पहले क्लियर कर लेता हूँ बिकॉज ऑफ बात करने बराबर जम नहीं पा रहे हैं। हाँ, तो ये सब इसीलिए ज़रूरी है ना कि आप ऐसे कचरा वगैरह मत करो यार, और जो किले के बॉर्डर पे आप लोग बैठ के फ़ोटोज़ वगैरह निकालो, अगर आपको वहाँ पे सेफली लग रहा है, वहाँ पे जो नए नए बनाए हैं उन्होंने वो आप लोग वहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक कर सकते हो जो नया बनाया है। ओके, बिकॉज वहाँ पे वो गिरने का चांस नहीं है, और फ़ोटो निकाल सकते हो। ये नहीं कि आप वहाँ पे एकदम आगे तक का जाओ, बिकॉज इसमें देखो पहली बात तो उनका कुछ जा रहा नहीं है, ठीक है। वहाँ से कितना स्पीड उन्होंने बताया, वो उतने स्पीड के ऊपर से नीचे अगर गिरोगे तो वो आप ही गिरने वाले, वो नहीं गिरने वाले, ठीक है। तो यही सब बातें, कुछ इस तरीके से नेचर होकर रखा है भाई। वाव, सो भाई हम लोग यही ट्रैकिंग करते हुए वापस से जा रहे हैं और लेट से जाके देखते हैं। पहले ऊपर जाने के बाद भाई जो नेचर था ना, वो आप सबने तो देख ही लिया होगा। ज़्यादा शूट नहीं करने मिला बिकॉज ऑफ अ फॉग के चलते, इतना सारा फॉग था ना वहाँ पे, तो जो लोकेशंस थे ना वो प्रॉपर दिख रहे भी नहीं थे। बट हमें ना अभी ये मानसून में आए थे, मानसून का तो राइड अलग ही था। हम ना अभी एक बार ज़रूर से आएंगे जो कि दिसंबर नवंबर में आने को ट्राई करेंगे भाई भाई भाई। और अगर आप मानसून में आ रहे हो ना, आप एक्स्ट्रा कपड़ा भी कैरी कर लो यार साथ में, और अगर रेनकोट आप अच्छे से लेकर आओगे तो भी अच्छी बात है। हम लोग तो आ गए भाई, लेकिन ये बंदा अपने से भी पहले आके यहाँ पे खड़ा है। सही है, सही है।
और भैया अपने से पहले आके यहाँ पे खड़ा होगा भाई, मतलब आपने आधे घंटे में हम लोग आ गए, तो ये जो 5 मिनट पहले आ गया अपने से। और यहाँ पर सब लोग अभी भाई चाय वगैरह भी पी सकते हैं, यहाँ पे आप लोग मैगी वगैरह भी है शायद से। और वेट ये चेक करो, नेक्स्ट लेवल है भाई। यहाँ पर भी भाई भुट्टा वगैरह आप खा सकते हो। बारिश हो रही दिख रही है ना, बस हो गया, बारिश हो रही है, बारिश तो हो रही है। शूज पूरे लाल लाल करके ही जाना पड़ेगा भाई मेरे को आगे आगे। एंड आई होप कि आप सभी को ये वाला मॉनसून वाला वीडियो अच्छा लग रहा होगा, जो कि हम लोग आए हैं यहाँ पे। बट मे बी ना क्वालिटी वाइज ना इतना आपको अच्छा नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज ये मेरा फ़ोन है, नारायण का फ़ोन नहीं है ये, तो नारायण भाई का फ़ोन जो यहाँ पर है, क्योंकि चार्ज नहीं है नारायण के फ़ोन में। और लेट सी, चलो ओके, फेयर हुआ क्या? लेंस थोड़ा साफ करना पड़ रहा है यार मेरे को, नहीं लेंस में थोड़ा सा बाहर आ गए। और ये जो वो वाला पैसेज यहाँ पे मिट्टी मिट्टी था पूरा, और वो पूरा स्लिप हो रहा था, उसके ऊपर से हम लोग जाने वाले थे, तो ये वही वाला है। और यहाँ पे इस तरीके से पब्लिक पीछे पीछे आ रही है यहाँ पे। हाँ, और अभी हम ऐसा लग रहा है नहीं कि चाय भाई भाई क्या आ रहा है यार, चाय लग रहा है ना मेरे को थी। जान दे देंगे इसके लिए। नारायण भाई तो वाइट शूज जानबूझ के चाय में लेके जा रहा नीचे पानी में, और ये पानी कितना क्लियर है, मैंने सुना है वाला पानी कितना अच्छा आ रहा है। हाँ ये पानी वाला फ्रेश है। एंड थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम हो रहा है बारिश के चलते, बिकॉज ऑफ मतलब वो जो रेनकोट का आते हैं ना, मतलब रेनकोट पहनने के बाद भी ना भाई, तो कौन अपना रेनकोट के अंदर ही गिर गया भाई। स्केट मारने की बात कर रहे, जा भाई जा जा, ए स्केट मारेगा, स्केट मारेगा नारायण, सुना ले सुना ले, यहाँ से पूरा पूरा स्केट होते होते जाएगा बंदा आगे। अरे ओ भाई चल भाई, इतने मोटे मोटे बूंद गिर रहे हैं यार, जाओ 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 जाओ। भाई 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 ये गिरने वाला था, अभी ये गिरने वाला था। लेफ्ट से होके निकल जा, आप जा रहे हो क्या? थोड़ा स्लोप पे पैर को, तो पैर जो है ना एकदम जोर जोर का दबा दबा के, देखो ऐसे जाना पड़ेगा, तो इससे क्या है ना स्लिप नहीं होगा। और मेरे शूज जो है ना थोड़े बहुत तो ग्रिप वाले हैं, इसीलिए ओके ऑल राइट ओके 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 सीवी का राइडर यू डन। एंड ये चेक करो, आओ आओ आओ, ये हम पूरा ऊपर जाके आए यहाँ, सिर्फ स्लो स्लो होकर आने का ऐसा। ये कौन है? ये अच्छा लगा मेरे को। नारायण गए ना आगे, ये लेडीज लोग को बोल दे स्लीप हो रहा करके, दीदी स्लीप हो रहा है, ये स्लीप हो रहा है ये वाला। फाइनली फाइनली आगे पहुंच गए अपनी गाड़ी पार्किंग है। एंड भाई अपने वहां पे थोड़ा सा हेल्प कर रहे एक एक करके, बिकॉज वो बोलता बस पिस्लन पिस्लन बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और गिर गिर जाएंगे ना उसमें और थोड़ा टेंशन हो जाएगा इसके चलते। यस ब्रो राइट। चलो अपने भाई वहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, जो कि सही बात है। और फिलहाल तो भाई मैं यहाँ पर हूँ, और यहाँ पे अपने राइडर्स हाउस, ऑल राइडर्स हाउस, नहीं नहीं एक कम है, दो कम है, एक उधर है ब्रो, वो किधर क्या प्रतीक भाई। सो फाइनली आके पहुंचे अपने भाई पार्किंग स्लॉट के यहाँ पे, जो कि अपना पार्किंग यहाँ पर है। और यहाँ पर यहाँ से मैं आराम से उतर सकता हूँ, क्योंकि ये एक ये दो ये तीन ये उतर गई हो। हाँ हाँ ये हाँ 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 वाह वाह वाह, हाँ किले तो दिख रहे नहीं है, सामने देख सकते हो आप पार्किंग का प्राइस वगैरह पूरा का पूरा आपको दिख रहा होगा। लेट्स सी, जाते हैं अभी सीधा अपन। और इस वाले ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करता हूँ, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे कोई भी नया हो सब्सक्राइब कर देना। एंड एज वेल एज बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एंड प्लीज राइट सेफ, मिलते हैं आपको
और आगे वाले वीडियो में। तब तक के टेंशन देखे, बाय।